आज हम जाने वाले हैं मास्टर शेफ इंडिया में फीचर होने वाले हर एक जज के खुद के रेस्टोरेंट में, ये देखने के लिए कि इन जजेस में से कौन सा जज एक्चुअली जज बनने का हकदार है और किसका शो में होना एकदम बेकार है। दीज आर सच मच्योर फ्लेवर्स। तो अब आप मास्टर शेफ जजेस को जज कर रहे हैं। देखो 2010 में जब स्टार प्लस पे शो मास्टर शेफ इंडिया आया था, जो कि ब्रिटेन के शो मास्टर शेफ का इंडियन अडैप्टेशन था, तब किसी ने नहीं सोचा था कि भाई कुकिंग कंपटीशन पे बेस्ड एक शो इंडिया में इतनी लाइमलाइट ले जाएगा। और एक्चुअली उसी शो ने ही विकास खन्ना, कुणाल कपूर जैसे नामों का हमारे घरों का एक हाउसहोल्ड नेम जैसा बना दिया है। भाई मास्टर शेफ का सीजन 1 जज किया था अजय चोपड़ा, कुणाल कपूर और अक्षय कुमार ने। अक्षय कुमार क्या कर रहा था पहले सीजन में? अभी तो पहले सीजन के बाद हटा दिया था। भाई शो के 7 सीजन आ चुके हैं और 8वां अभी चालू है, तो हमने सोचा कि हम भी शुरुआत से शुरुआत करते हैं और आपको लेके चलते हैं सीजन 1 में फीचर हुए शेफ, जिन्होंने उसके बाद भी 4 और सीजन तक मास्टर शेफ में जज का रोल निभाया है। कि असली फैंस भाई समझ गए होंगे, नहीं समझे तो चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ पिन कोड बाय कुणाल कपूर में। भाई रेस्टोरेंट में घुसते ही तीन सबसे पहले हाईलाइट जिसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा वो पहली थी, एक तो पीछे जो टीवी लगा आप देख रहे हो जहाँ पर ऑल द टाइम कुणाल कपूर जी की ही फूड रेसिपी चल रही है। दूसरी चीज दीवार के जो डिजाइन्स हैं, ओ भाई दीवार में ही बर्तन गाड़ रखे हैं। और तीसरी चीज की पीछे आप इतनी सारी चीजें देखोगे जो कुणाल कपूर की लाइफ से रिलेटेड है। देखो ब्रो, आज की वीडियो का पर्पस ना सिंपल है, अपने को बस आइडेंटिफाई करना है कि कौन असली जज है और कौन जज बनने की एक्टिंग कर रहा है। ये डिसाइड होएगा इनके रेस्टोरेंट के खाने के टेस्ट के बेसिस पर। माने इनके रेस्टोरेंट के खाने का टेस्ट और प्रेजेंटेशन चकाचक तो ये पास, नहीं तो ये फेल। ऐसे ही चेक करते हैं ना मास्टर शेफ पे बच्चे लोगों को, आज अपन भी सेम करेंगे। वाओ, देखो वीडियो फेयर रहे इसलिए आज हर रेस्टोरेंट में मैं सेम बजट में खाना ऑर्डर करने वाला हूँ और सेम कैटेगरी की ही डिशेज ऑर्डर करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल हर रेस्टोरेंट में हमने एक स्टार्टर, एक ड्रिंक, एक मेन कोर्स की डिश विद ब्रेड और एक डेजर्ट मंगाया है जो कि अप्रोक्सीमेटली हमें 2500 रुपए का पड़ा है। और आज बहुत खर्चा बैठ गया है तो लाइक कर देना कमीनो। हमने ऑर्डर करा है ये रोस्टेड चिकन, मेन कोर्स में मशरूम बटर, साथ में मंगाई है तंदूरी रोटी और मंगाई है एक स्पाइसी अमरूद वाली ड्रिंक और आया है हमारे पास ओल्ड दिल्ली का स्पेशल ओल्ड दिल्ली ब्रेड पुडिंग। और इनका टोटल प्राइस पड़ा है करीब करीब 2500 रुपए, जो मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव है एक मिडिल क्लास के लिए, शायद इसी वजह से हमने लोगों को यहाँ से उठकर जाते हुए देखा है। चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं हम ये। देवसिंह इन रोस्टेड चिकन है ठीक है, पर टेस्ट में वो वाली बातचीत नहीं है यार। मतलब कसम से बोल रहा हूँ, गली मोहल्ले वाले शेफ इससे काफी टेस्टी चिकन बना लेते हैं। जेन्युइन नोट, इट्स मटन मशरूम ट्राई करना। चलिए पास कर देते हैं। अमरूद का टेस्ट है बट ड्रिंक बड़ी अटपटी। लास्ट ट्राई करता हूँ डेजर्ट। अबे भाई शाही टुकड़ा है जामा मस्जिद वाला, मार नहीं चाहे कुकड़ा की भी मार नहीं है। ये कुणाल कपूर का पर्सनल फेवरेट है भाई, पर आपको पसंद ही बताऊं खाना अच्छा। खाने के टेस्ट के बेसिस पर अगर तू मुझसे पूछेगा ना कि क्या कुणाल कपूर जी मास्टर शेफ के जज बनना डिजर्व करते हैं, तो बहुत भारी दिल के साथ मुझे घर घर का फेवरेट, हर घर का फेवरेट। गाइस जैसे सब्जी में चाट मसाले के बिना स्वाद नहीं आता ना, वैसे ही इस लिस्ट में अगर संजीव कपूर ना होते ना तो ये टॉपिक ही वेस्ट चला जाता। अबे कौन सी सब्जी में चाट मसाला डलती है? मैं बनाता हूँ, मैं डालता हूँ, तेरे को दिक्कत है? जानना है इस बड़े। दुबई में इनके कई सारे रेस्टोरेंट हैं और दिल्ली में इनका येलो चिली और ये हमारे पीछे वाला सुरावी रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, तो आज हमने इसी रेस्टोरेंट को चुना है। यहाँ का जो हम शूट करते हैं ना वो हम करते हैं सुमड़ी में, ताकि आप लोगों को जो भी रिव्यू जाए वो बिल्कुल ऑनेस्ट जाए। तुम अटेंशन ग्रैब कर लेते हो ऐसे जा जाके हर जगह, ऐसे इनकम टैक्स वाले रेट डालते हैं ना, ये वैसे रेट डालते हैं किसी रेस्टोरेंट के अंदर, पूरा स्टाफ ऐसा हो जाता है हलचल मच जाती है। गाइस आपको पता है शब्द जो है सुरावी, राहुल तेरे को पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है म्यूजिक एंड लाइफ। एक बारी आप इनके डेकोर पे नजर मारो गाइस, एक नंबर बातचीत है संजीव कपूर के इस रेस्टोरेंट में। बस मैं पता क्या चाहता हूँ कि जितना मजा मुझे उनका वो शो देखने में आता था उतना ही मजा, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, उतना ही मजा आज बस इसके खाने में आ जाए तो मजा आ जाए। भाई मैं पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं डिश देखकर इतना मेसमराइज्ड हो गया हूँ, मतलब डिश की प्रेजेंटेशन इतनी कमाल कि आपको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि आप किसी मास्टर शेफ के रेस्टोरेंट में बैठकर खा रहे हो। पहली बार पर्सनली मेरा किसी डिश की प्रेजेंटेशन खराब करने का मन नहीं करना है यार। ये है स्टफ्ड चिकन, अंदर आपको स्टफ दिखेगा यार, प्रेजेंटेशन माई गॉड यार।
प्रेजेंटेशन में मेहनत ज्यादा है और टेस्ट में थोड़ा कम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन पैलेट को सूट करने वाला टेस्ट नहीं है। वेस्टर्नाइज्ड डिश है और इसका टेस्ट भी वैसा ही टेस्ट करेगा जो वहाँ का चिकन होता है। कोई नहीं, हमारे टेस्ट की नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि डिश बुरी है। संजीव कपूर को जज करने की मेरी औकात नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो भाई मेन कोर्स की डिश आ गई, इसका नाम है शाम सवेरा। शाम सवेरा माने इसके अंदर स्पिनच की बॉल्स है, अंदर कॉटेज चीज है और एक मखनी वाली ग्रेवी है। क्या बात। और हमें सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे नए नए टॉपिक्स देखने को मिलते रहे। तब तक मैं ये ट्राई करता हूँ। ओह माय गॉड, अबे इस ड्रिंक को इन्होंने दो भागों में कैसे बांटा। चलो मुझे पहले ये टेस्ट करने दो। ग्रेवी बहुत टेस्टी है। स्पिनच का कोफ्ता ना, वो फ्यूजन अभी मजा नहीं आया मेरे को। लिस्ट में संजीव कपूर जी कहाँ रैंक करेंगे ये देखने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहो। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि संजीव कपूर जी मास्टर शेफ के जज बनना डिजर्व करते हैं कि नहीं, तो भाई 100% डिजर्व करते हैं। गाइस, मास्टर शेफ सीजन 6 के मोस्ट सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी शेफ जिनकी असल जिंदगी में हाइट छोटी है लेकिन उनका इंडस्ट्री में ओहदा बहुत ऊंचा है। मेरे हाथ को धो लो, माइक खड़ा हुआ है। हाँ, पता है फ्रेंच डाइनिंग इंडस्ट्री का जो सबसे प्रेस्टीजियस अवार्ड होता है ना, मिशलिन स्टार, ये इंडिया के पहले शेफ है जिन्होंने वो जीत रखा है। जिस होटल में अभी हम है, ओबेरॉय होटल में, यहाँ से अपने करियर की शुरुआत करी थी और आज यही के दिल्ली रेस्टोरेंट में ये एज अ मेंटर जुड़े हुए हैं। मतलब इनका पूरा मेन्यू इन्होंने ही क्यूरेट करा है। और ये है द वन एंड द ओनली विनीत भाटिया जी। ये क्या होता है, एस्थेटिक। वैसे विनीत भाटिया को तुमने देखा है, थोड़े थोड़े गुलशन ग्रोवर लगते हैं मेरे को। उन्होंने बता क्या बोला है, दिल्ली के उन्होंने जो जायके चखे उसको उन्होंने यहाँ पर परोसने की कोशिश करी है, दैट टू विद मॉडर्न टच। उन्होंने बोला था इंटरव्यू में कि जब आप डिश खाओगे ना मेरे यहाँ की और अपनी आंखें बंद करोगे तो आपको ऐसा लगना चाहिए आप कि वहाँ पे खा रहे हो जहाँ से वो बिलोंग करती है। मेन्यू में एक और चीज मॉडर्न है, प्राइसेस 1000 रुपए का समोसा है। कम आइटम मंगाएंगे हम यहाँ से, बहुत महंगी है यार। इन्होंने ना अपने मेन्यू को 5 भागों में बांटा हुआ है। निजामुद्दीन, पराठे वाली गली, CR पार्क, रजौरी गार्डन, जामा मस्जिद, चांदनी चौक, मतलब दिल्ली के जो मेन हब है स्ट्रीट फूड के, वो सारे यहाँ पर है। ये आ गया हमारा जामा मस्जिद फ्राइड चिकन। और अगर मैं जामा मस्जिद के लोगों को इसका प्राइस बता दूंगा ना तो वो सारे के सारे हार्ट अटैक से मर जाएंगे तेल से पहले। 1300 रुपए का है। ओहो, लेग पीस खाऊंगा मैं तो। वैसे ये बात तो है, वो जो चचा बेचते हैं ना GFC, उसमें बहुत ऑयल होता है। चिकन है भाई, लेकिन फिश जितना टेंडर। रुक रुक, असली टेस्ट लेते हैं भाई, मजा तो है। मतलब ऐसा लगा कि चाचा वो आपकी गालों पर पप्पी बैठ गए। बिल्कुल, अभी वही वाली फीलिंग आ गई मेरे को जो तूने बोला भाई। ये है असली बातचीत, मतलब ये चीज आपको दिखाएगी कि आप किसी मास्टर शेफ के रेस्टोरेंट में आए हो। मतलब आपने राजमा चावल को इस फॉर्म में नहीं देखा हो। इसके अंदर ये चावल की टिक्की है और ये है तेरे राजमा। इस शेफ को दिमाग में मान लिया, साल भर पैसा जोड़ो, एक दिन आओ, मजा आएगा आपको। मजाक नहीं कर रहा, ये क्या शीरमाल है भाई। ये 30-30 रुपए में धक्के खाते हैं जामा मस्जिद में। ये तुमने कितने मंगाया, 700 रुपए में। भाई साहब, मीठा कम है, बैलेंस्ड है, बट बुरी ये भी नहीं है। और मेरे से पूछ रहा होगा कि ये मास्टर शेफ के जज बनना डिजर्व करते हैं या नहीं। 100% बंदा डिजर्विंग है। लेकिन आपको दिखाता हूँ एक और तगड़े मास्टर शेफ का रेस्टोरेंट। ओके, सो हमारे मास्टर शेफ जजेस के रेस्टोरेंट की लिस्ट में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है जो मारी है एक जज ने नहीं बल्कि एक कंटेस्टेंट ने। सीजन 2 की विनर शिप्रा खन्ना, किस को याद है कमेंट सेक्शन में बताना। विनर से याद आया यार, सीजन 1 और 2 में कैश प्राइस था 1 करोड़, जो घटकर अब 25 लाख हो गया है। यहाँ महंगाई बढ़ रही है लेकिन कैश प्राइस घट रहा है। चलो जो भी हो, हमें क्या करना है, हमें कौन सा कैश प्राइस मिल रहा है। हम लोग आए हैं शिप्रा जी के रेस्टोरेंट दर्जी बार एंड किचन में, जो इन्होंने खुला है दिल्ली के सेंटर हार्ट कनॉट प्लेस में। और आज हम इसी का रिव्यू आए हैं और ये बताने आए हैं कि इनका रेस्टोरेंट कितना कामयाब है। आओ। ये जगह बेसिकली एक नाइट लॉन्च और बार टाइप की जगह है जहाँ पर प्रॉपर फूड मेन्यू है, सिंस एक शेफ का जगह है। वैसे आज की वीडियो में हमने जितनी जगह विजिट करी है ना वो सारी क्लासी थी, लेकिन इसकी वाइब जो है ना उन सबसे ज्यादा अजीब कह लो, और एक मास्टर शेफ की क्रेडिबिलिटी में जो माहौल रिप्रेजेंट करता है ना वैसा माहौल है। मैक्सिमम इंडियन हाउसहोल्ड्स में औरतें खाना बनाती है, गाइस आप भी बताओ सक्सेसफुल शेफ में आदमी ज्यादा क्यों है। शिप्रा खन्ना, गरिमा अरोड़ा, उसके अलावा नजर ही नहीं आती औरतें। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना, हम जिनमें ऑर्डर करते हैं। एक तो शोर इतना है ना, मेरे सर दर्द हो गया है। नीचे गिटार वाला है, वो इतनी देर से बजा रहा है और इतना तेज बजा रहा है ना कि मेरा सर दर्द हो गया। रुको जरा, पहले ट्राई करते हैं डंपलिंग। मांगे हमने नॉन वेज वाले थे, जो थे नहीं इनके पास, तो वेज मिले। बहुत अच्छे नहीं बट ठीक है यार, डिसेंट। आइसक्रीम को शेक बना दिया है, कोल्हापुरी कढ़ाई पनीर,
मैं शायद एम्बियंस और शोर की वजह से ना जगह को बढ़िया नंबर नहीं देता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे खाने की बेसिस पर शिप्रा जी कंटेस्टेंट मतलब एक विनर बनना डिजर्व करती थी कि नहीं, तो शायद भाई करती थी। खाना अच्छा, ब्राउनी खाते हैं और उसके बाद बढ़ते हैं अगले मास्टर शेफ जज के रेस्टोरेंट में। तो गाइस हम आ गए अपनी दिन की आखिरी लोकेशन पर, प्लाका। प्लाका ग्रीक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है प्लेट, और यही नाम चुना है सीजन 1 और सीजन 2 के मास्टर शेफ के जज अजय चोपड़ा ने अपने इस गुड़गांव वाले रेस्टोरेंट के लिए। सो बेसिकली वीडियोस में कई चीज हम ऑलरेडी प्लान करते हैं, लेकिन ये एक चीज थी जो मैंने प्लान नहीं करी थी। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता था मैं आने वाला हूँ या मेरे को पता था मैं आपसे मिलने वाला? बिल्कुल नहीं। आज की वीडियो कॉन्सेप्ट बताऊं, मारोगे नहीं पहले आप प्लीज, प्रॉमिस। बेसिकली हमारी वीडियो कॉन्सेप्ट है कि मास्टर शेफ में आज तक जितने भी जजेस रहे हैं ना, उनके दिल्ली एनसीआर में जितने आउटलेट्स हैं, मैं सब पर जा रहा हूं एंड आई एम टेस्टिंग फूड ऑफ एवरी प्लेस। अच्छा, तो अब आप मास्टर शेफ जजेस को जज कर रहे हैं? प्रॉमिस नहीं मारता, मैं मारूंगा नहीं, बट मैं आपको वही बोलूंगा, ये तस्वीर के पीछे ये सिर्फ आटा नहीं है, 25 साल की मेहनत है, तो आप जरूर से ट्राई कीजिए एंड आई वांट टू हम्बली गिव यू दिस चैलेंज, चैलेंज कि आपको खाना बहुत पसंद आएगा। आई लाइक द कॉन्फिडेंस सर। सर वैसे एक बात बताइए, आई नो आपके बहुत सारे फेलो फ्रेंड्स हैं इस लिस्ट पे, संजीव कपूर के रेस्टोरेंट हम गए, कुणाल कपूर जी के रेस्टोरेंट हम गए, तो आपको लगता है आप उनको बीट कर पाओगे? मेरे को करना नहीं है किसी को बीट। देखो कुणाल इज अ ग्रेट फ्रेंड, संजीव जी इज अ मेंटोर। देखो अच्छा खाना ना कि एक ही भाषा होती है जी, स्वाद। अगर स्वाद अच्छा है तो दिल को छूता है, चाहे वो संजीव कपूर जी का हो, चाहे वो अजय चोपड़ा का हो, चाहे वो किसी ढाबे का हो, स्वाद है तो बढ़िया है, स्वाद नहीं है तो। अच्छा हाँ, एक चीज मैं पूछना भूल गया आपसे, मिलने का सर एक्साइटमेंट इतना ज्यादा हो गया ना कि मैं पूछना ही भूल गया। मेरे को भाई ये सौभाग्य आज तक प्राप्त नहीं हुआ कि मैं शेफ से ही पूछ सकूं क्या खाना है, मास्टर शेफ के शेफ से पूछ सकूं। वेज है कि नॉन वेज? एनीथिंग सर, फूड ब्लॉगर को नो। सो खोया मटर पनीर कतैफी, भारी नाम है लेकिन डिश बहुत टेस्टी है। इसके अलावा आप मेरी कटहल की निहारी है वो जरूर खाएं। इसके अलावा हमारी एक तंदूरी लैम चॉप्स है। ओके सर, मैंने मेरे को भूल चुका हूँ पर कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होगा। और बाकी सर के सीजन को आए हुए 2010-11 में आया था, आज ही आया हूँ, इनफैक्ट आज ही मास्टर शेफ सीजन 8 पे आज ही मेरा एपिसोड एयर हुआ। अच्छा, हुआ है आज। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शेफ अजय चोपड़ा। वंडरफुल सर, फिर देख सकते हैं, लकी डे था, बहुत बढ़िया। बाकी कौन कौन सर का अभी तक फैन बना हुआ है ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग अस सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। इनकी बात ना सुने, उसके बाद हजारों प्रोग्राम आ चुके हैं जी जेस्ट पे, लिविंग फूड्स पे नॉर्दर्न फ्लेवर्स के 6 सीजन, जी जेस्ट पे इंडिया 50 बेस्ट के 3 सीजन, जी जेस्ट पे पत्ते की बात, जी जेस्ट पे एक और। मैं बताने वाला था, हाँ बस बस बताने वाला था, अभी बस बताने वाला था, याद था सर। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल, thank you so much। वैसे आज के दिन का हाईलाइट तो मुझे मिल चुका है, सारा खाना एवरीथिंग से अबव। अजय जी से जो आज मीटिंग हो गई उससे बड़ी हाईलाइट आज के दिन की हो नहीं सकती, और मैं डेंजर जोन में जाना नहीं चाहता। मैं पहले ही बोलता हूँ कि भाई मास्टर शेफ के जज अजय जी होना तो डिजर्व करते हैं, टेस्ट करने से पहले ही बोल रहा हूँ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई अजय जी ने जो भी खाना हमें रेकमेंड किया था ना, वो सारा पहले तो देखो कितना शानदार लग रहा है, एक से एक, मतलब इसकी तो मेरे को शक्ल समझ में ही नहीं आ रही ये एक्चुअली में डिश क्या है, ये भला क्या है। तो भाई बाहर है सेवैया और अंदर है कोफ्ता, ऑयली है थोड़ा, पर ऑयली चीजें मुझे पसंद बहुत है, स्वाद है तो बढ़िया है, स्वाद आना चाहिए। भाई ये हमारा भी हमेशा से मोटो रहा है कि हमें बूंदे मत डाल के दिखाओ, प्लेटें मत सजा के दिखाओ, चीज में दम डालो। लैम चॉप खाते हैं, न्यूजीलैंड लैम चॉप, एक्सप्रेस में ही कर पा रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। ये हम खा रहे हैं कटहल के निहारी, मेरा फेवरेट रहेगा लैम चॉप। खाने की शक्ल और खाने का टेस्ट बता रहा है कि आप एक मास्टर शेफ के जज के रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इस वीडियो में अगर मुझे कोई बेस्ट लगेगा तो मेरे हिसाब से अजय जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, बेस्ट। बाकी आपके फेवरेट मास्टर शेफ जज का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बता दे जाना। मिलेंगे आपसे दोबारा, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही और टॉपिक्स आते रहेंगे। बाकी थैंक यू वॉचिंग, ठीक है गाइस, बाय बाय। ठीक है भाई, मेरे को कोई शक नहीं है, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं है, बाकियों के लिए था, अजय जी के लिए कभी नहीं था। अगर मैं नहीं भी मिलता ना, अजय जी के लिए नहीं, लेट मी एंजॉय। अजय जी का खाना खान दो यार।